दुनिया के अंदर लफ्ज गुलाम अगर कोई बंदा समझ जाए अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ जाता है। जिन्हें अल्लाह के नबिया की गुलामी अख्तियार की अल्लाह ताला ने उन्होंने मगफरत फरमाई, जिन्हें नाफरमानी की जहन्नमी हो गए। इसी तरह नबी पाक दे गुलाम साहबा इकराम हुए, उन्हों की गुलामी जिन्हें अख्तियार की औलिया अल्लाह हुए और कितने दर्जे और कितने मकाम तक पहुँच गए। और नबिया नू अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत अता फरमाई दुनिया के अंदर, वह खिलाफत और गुलामी जड़ी सी और नबूवत के दर्जे ते फायज होए, ऐसे फायज होए कि फरमाया सब नबी मासूम हैं, गुनाह तो भी मासूम हैं, खता तो भी मासूम है। तो अल्लाह तबारक व ताला सानू थानू सब नू नबी पाक की गुलामी अता फरमाए, मुर्शद की गुलामी अता फरमाए। मियाँ मोहम्मद आरफे खड़ी रहमतुल्लाह फरमांदे, दुनिया बाग वली विच माली, दुनिया दा बाग है एक, वली विच माली हैं, एक बाग है इसी औलिया अल्लाह माली हैं। बाग बगीचा तो खूबसूरत जगह होंदी, उत्थे मुसीबत नहीं फल होंदे। फरमाया दुनिया बाग वली विच माली, जिन्हां वलियां दा दामन पकड़िया उन्हां नूं फिर फलदार बूटे ही हासिल होए। दुनिया बाग वली विच माली, गिन गिन बूटे लांदे, जिस जाई कोई फबदा होंदा उसी जाई जा टकांदे। ते मियां साहब फरमांदे मिठा मेवा बख्श अजिया, ते कुदरत दी गत शीरी, जो खावे रोग उसदा जावे दूर होवे दिलगीरी। ते अगे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए ते मियां साहब एक दरख्त की मिसाल दिती, एक पौधे की मिसाल दिती। इस अजायब बागे अंदर आदम का रुख लाया, रुख दरख्त नू कहंदे, अजीब बाग है एक। आदम दा रुख लाया, मारफत दा मेवा दे के वाह वाह फलदार बनाया। ओ जे आदम अलैहिस्सलाम नू मारफत मिली सी, ओ सारे नबियां तक पहुंची मारफत। ऐ कहंदे ना मारफत है अल्लाह ताला दी मारफत, ओही मारफत वलियां तक पहुंच गई। ते इस दुनिया दे अंदर आदम अलैहिस्सलाम दा पहला रुख अल्लाह ताला पौधा लाया, मारफत दा मेवा दे के वाह वाह फलदार बनाया। अल्लाह ताला थानू सानू सब नू मुर्शद दी गुलामी विच रह के जिंदगी बसर करने दी तौफीक अता फरमाए।